सीमा पर था। तो उस देश की राजकुमारी कैकेयी एक दिन बैठी पूरी बना रही थी। अब खौलते हुए तेल के कढ़ाई में पूरी हाथ डाल डाल के पूरी निकाल रही थी। अब हाथ जलता नहीं था। अच्छा कारण क्या था? एक समय बचपन के समय कैकेयी के उनके घर में दुर्वासा ऋषि आई। एक बात बताऊं, दुनिया में एक सनातन धर्म का नियम है कि किसी के घर में कोई संत महात्मा आ जाए तो लोग बहुत प्रेम भाव से उसकी सेवा करते हैं। अच्छा क्या उसको समझ के? संत समझ के। अब वो 100% से संत है कि नहीं संत है ये वो जाने, उसकी माया जाने, उसका काम जाने, लेकिन किसी के दरवाजे पर कोई पहुंच जाए तो उसको संत समझ के पूरी दुनिया सम्मान करता था और करता भी है। तो ये कैकेयी दौड़ी कि हमारे यहाँ आज दुर्वासा ऋषि आए हैं, थोड़ा दौड़ के दूध गर्म करे, महाराज जी को सेवा में थोड़ा दूध समर्पित करे। अच्छा जल्दबाजी का काम अच्छा नहीं होता। और जल्दबाजी में जब ये दूध लेके चली तो रानी कैकेयी के हाथ के पंजे पर दूध पलट गया और पंजा जल गया, लेकिन दूध नहीं छोड़ा। लेके पहुंची दुर्वासा के पास, बाबा आप मेरे घर से थोड़ा सा दूध पी के जाए। तो दुर्वासा ने कहा, रे बिटिया तेरे हाथ में क्या हुआ? तो बाबा ये थोड़ा जल्दबाजी किया, दूध पलट गया, जल गया है। दुर्वासा ने कहा, बेटी आज से मैं आशीर्वाद देता हूं, तेरे दोनों हाथ के जो पंजे हैं वज्र के समान हो जाएंगे, ना कभी कटेंगे ना कभी जलेंगे। एक बार तालियां होनी चाहिए। इसीलिए आप सब एक गीत गाती हो कि राजा खेलेंगे शिकार, बीच जंगल में झार निकल पड़ी, तलवार होने लगी तकरार, चले धनुहा ओ बाणी दो भबा घमासान, रखे पहिया गए टूट ना जग हिम्मत गए टूट, ओ भरत लाल जी के मंती कहावे, उंगली से रथ कई पहिया गए जावे, समर बीच मई दगा मां जादू मां तोरे घर कैकेयी ने जो रथ का पहिया संभाला था, ये दुर्वासा के आशीर्वाद का प्रभाव था। तब देवासुर संग्राम में रथ का पहिया संभाला था, उसको धुरी बना लिया था उंगली से। तो एक दिन ये पूड़ी बना रही थी और खौलते हुए तेल के करहिया में हाथ डुबो डुबो के पूड़ी निकाल रही थी। इतने में पहुंचे कैकेयी नरेश और उन्होंने कहा कि मेरे लड़की में एक गुण है कि खौलते हुए तेल के कड़ाह में हाथ डालती हो जलती नहीं है, तो मैं अब इसका शादी वहीं पर करूंगा कि जिसमें ये गुण हो, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जो घर भर कुल होए अनुपा, जैसी लड़की हो वैसा लड़का होना चाहिए। तो लड़की में गुण है कि खौलते हुए तेल कढ़ाई में हाथ डालती है जलती नहीं है। जो लड़का खौलते हुए तेल कढ़ाई में बैठेगा और जलेगा नहीं, उसी के साथ मैं अपनी लड़की कैकेयी का विवाह करूंगा। ये स्वयंवर कर लिया, लेकिन शर्त है कि खौलते हुए तेल के कढ़ाह में बैठना पड़ेगा। चिट्ठी जाने लगी राजाओं के पास, और जहां चिट्ठी पहुंचती थी राजा चिट्ठी में लिखता था, अभी मैं मरना नहीं चाहता हूं, थैंक यू चिट्ठी वापस। और चिट्ठी आई अयोध्या। महाराज दशरथ ने कहा मैं जीत सकता हूं। सुमंद्र जी ने कहा ये कैसे? कहा जब मैं जन्म हुआ है तो सारी वस्तुएं जो निकलती थी सब अष्टधातु सोने की निकलती थी, कहा उसी में दसवें मैं भी हूं, और मेरी कमर का जो भाग नीचे का है ये समझ लीजिए कि अष्टधातु का ही है, क्योंकि इसमें कोई वज्र भेद नहीं हो सकता। इसीलिए 362 युद्ध हुआ है और 362 में केवल दो हारे थे दशरथ, और हारे का है विपक्ष से आ गया था बाली मदद करने के लिए, और बाली को वरदान था कि जो भी योद्धा सामने से युद्ध करेगा आधा बल तुम्हारे पास आएगा। बाली के कारण दो युद्ध हारे हैं
और 360 युद्ध महाराज दशरथ जीते, और 360 युद्ध जब जीते दैत्यों से, तब इनका नाम पड़ा चक्रवर्ती। और इंद्र सभा में सायंकाल के समय ये इंद्र के सभा रोज जाते थे, और रात्रि के प्रथम पहर में ये उधर से वापस आते थे, इनके रोज जब मीटिंग होती थी देवताओं की, उस मीटिंग में दशरथ जी को बुलाया जाता था। एक दिन पहुंचे तो वहां देखा सब ग्रह नक्षत्र दशरथ से मिलने आए, और सारे ग्रह आए सामने से, महाराज जी प्रणाम, महाराज जी प्रणाम। जब शनि आया तो उसने पीठ किया दशरथ के तरफ और मुंह किया आगे और कहा महाराज जी प्रणाम, ऐसे दशरथ को गुस्सा आ गया, क्या बताओ सब चेहरा हमारे तरफ करके नमस्ते कर रहे हैं और तुमको शर्म लग रहा है क्या? तो शनि ने कहा महाराज अगर मैंने चेहरा घुमा दिया आपके तरफ तो आप स्वर्ग लोक में रह नहीं पाओगे। तो दशरथ जी ने कहा चेहरा घुमाओ, और जैसे चेहरा घुमाया तैसे स्वर्ग से लड़खड़ाए दस गज और सीधा भूतल पे आने लगे। लेकिन वही दशरथ जी ने शनि स्त्रोत पाठ करते हुए नीचे उतरे, और जब ये चले तो रास्ते में ये बेहोश मूर्छित हो गए। और उसी समय बड़ा सुंदर समय था कि एक अप्सरा जिसका नाम था धृताची, ये धृताची का विवाह अरुण जी के साथ में हुआ था। अरुण और गरुण ये दोनों सगे भाई थे, ये महर्षि कश्यप और विनता के पुत्र थे। तो अरुण जी की पत्नी जो थी धृताची अप्सरा, एक बार ये नहाने गई गंगा नदी में, तो वहां पे मतंग बाबा बैठे थे, मतंग क्रोधी बहुत थे, और उन्हीं के सामने वस्त्र उतार के नहाने जैसे चली तैसे मतंग जी ने श्राप दे दिया, कहा जाओ तुम्हारे गर्भ से गीद पैदा होंगे। तो उनके जुड़वा गीद हुए, क्योंकि एक श्राप और था इनके पीछे। एक बार सूर्य भगवान ये धृताची को देख करके मोहित हुए, और सूर्य जैसे ब्राह्मण का भेष धारण करके प्रकट हुए, उसी समय इंद्र पहुंच गया, और इंद्र और सूर्य का युद्ध चालू हो गया। और जब युद्ध चालू हुआ तो धृताची कूद पड़ी मंदाकिनी में, और जब कूदी डूबने लगी तो दोनों देवता कूद पड़े उसे बचाने के लिए, तो दाहिना हाथ पकड़ा इंद्र ने और बायां हाथ पकड़ा सूर्य ने, तो बाएं हाथ पकड़ने के कारण वाम अंश से सुग्रीव पैदा हुए, और इंद्र ने दाहिना हाथ पकड़ा इसलिए वाली पैदा हुआ। ये दोनों बंदर थे सगे भाई, लेकिन इनके पिता दोनों अलग थे। हे महाराज ऐसे ही जुड़वा पुत्र हुए, उसके श्राप से गीद, एक का नाम पड़ा जटायु और एक का नाम पड़ा संपाति। ये दोनों ऐसे वैसे नहीं थे, बहुत महापराक्रमी बहुत बलशाली थे। तो ये जटायु कहीं जा रहा था और इसने देखा कि कोई ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जटायु ने अपना पंखा फैलाया और महाराज दशरथ को अपने पीठ पर रोक लिया। लेकिन दशरथ जी उस समय बेहोश हो चुके थे, जब नीचे जमीन पर उतारा तो दशरथ जी के होश नहीं था। तो गए चोंच में पानी भर भर के लाए, दशरथ के मुंह पर डाला, अपने पंखा से हवा किया, तब दशरथ जी होश में आए। अच्छा होश में आए क्या भैया, तूने मेरा प्राण बचाया है और अपने प्राण से प्यारा वस्तु मैं आपको दान करूंगा। तो जटायु हंसने लगा, कहा महाराज हो गया, कहा क्या हुआ, कहा दुनिया में प्राण से प्यारा एक ही वस्तु है, आदमी का ज्येष्ठ पुत्र बड़ा बेटा, तालियां बजा दीजिए। और कह आप कह भी चुके हो दान करूंगा, आप बात बदल नहीं सकते, क्योंकि रघुकुली रीति सदा चली आई, रघुकुली रीति सदा चली आई। आप अपने वचन को बदल नहीं सकते हो, इसीलिए देखो अभी राम जी पैदा नहीं हुए, और पैदा होने से पूर्व ही राम जी को गोदनामा दे दिया जटायु को, इसीलिए दशरथ का अंतिम संस्कार राम ने नहीं किया है, और राम ने जा करके जटायु का अंतिम संस्कार किया, जबकि पक्षी कभी जलाए नहीं जाते। लेकिन त्रेता में एक ऐसी घटना घटी है कि एक पक्षी का दाह क्रिया हुआ है,
राम जी ने पिता पुत्र का नैतिक धर्म वहां पूरा किया है। एक चौपाई वहां देखो, दशरथ जी ने विश्वामित्र से कहा नहीं है कि सब ही सुत मोरे प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनत प्रसन्न। तो राम को देते बन नहीं रहा है, कहा क्यों नहीं बन रहा है? तो उन्होंने बताया कि राम के जन्म से पहले ही मैं जटायु को दे चुका हूं। तो तब वशिष्ठ बहुवी ने समझावा, वशिष्ठ जी ने इनको समझाया है कि जब तक ये जटायु के पास नहीं जाएंगे तब तक इन्हें दे सकते हो। बोले अनकंद भगवान की महाराज, दशरथ जी गए खौलते हुए तेल के कराह में बैठे और स्वयंवर फाइनल हुआ, विवाह होने लगा। जैसे तीन भावर घूमे और चौथा घूमने जा रहे थे, इतने में किसी ने राजा से बताया कि अपनी लड़की की शादी तो कर रहे हो, लेकिन इनकी दो रानियां अयोध्या में और बैठी, और उनसे जो पुत्र पैदा होगा अयोध्या का राजा वही बनेगा। ऐसे कह के नरेश ने कहा पंडित जी से कि शादी करवाना बंद कीजिए। कहा क्यों? कहा नहीं करेंगे।